हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम लोग पेट्रो को टेम करेंगे, और पेट्रो को टेम आज मैं क्या बोलते उसको, हाँ बोला से नहीं करूँगा, क्योंकि बोला से मैंने पकड़ के दिखा दिया है आप लोगों को कैसे बोला बनाया जाता है। तो भाई आज ना मैं ट्रैंकेरो बनाऊँगा, ट्रैंकेरो मैं लर्न नहीं करूँगा, वो मुझे फ्री में मिला था, और मैंने पत्थर का बस नॉर्मल जगह का जो स्टोन का एरो होता है ना, तो मैंने उसको बस लेके रखा था। तो मैंने वो जो नार्को होता है, तो नार्कोटिक्स मैंने बना के रखा था, तो उससे मैंने बहुत सारा बना भी लिया था। तो वही बात है। तो उसके बाद हम लोग क्रॉसबो से टेम करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, और इससे जल्दी भी होता है। मेरा फूड लेवल डाउन था, तो मैं कुछ खाना पानी खा लेता हूँ। और हाँ भाई, ट्राइक का जो नाम बोला था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हारा नाम मैंने लिख के रखा था पहले से ही, क्योंकि मेरा गेम का पहले गेम प्ले का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, उसका लेवल और भी अच्छा मिला था पेट्रो का, प्राय कम से कम 25-30 लेवल का पेट्रो मिला था मेरे को। तो सोनू, वेलकम टू माय फैमिली, आवर फैमिली, सॉरी, हम सबके फैमिली में सोनू तुम्हारा स्वागत है। और ये नाम मेरे को गेमिंग लोल ने बोला था, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो चलो, और हाँ भाई, इसमें से बहुत मतलब बहुत एनिमल्स ना, मेरे पास डायनो बहुत ज़्यादा हो गए, तो मैं एक या दो पेट्रो को मार दूंगा। और आज से मैं पेट्रो को शॉर्ट में पीडी बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि पेट्रो डॉन है, तो पेट्रो का पी और ड्रोन का डॉन डी, पीडी बोलूंगा। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो चलो, और हाँ भाई, मुझे ना इस पार जाके लेवल 2 का मिलेगा, मैं और ज़्यादा लेवल का ढूँढ रहा था, पर मिला नहीं, ढूंढा तो मिला नहीं। आसपास के सारे डायनो को तुम्हारे भाई ने पहले ही मार चुका है। तो ट्रैंकेरो गया भाड़ में, पहले इसको टेम करो, ट्रैंकेरो बाद में ले लेंगे। तो अभी मैं इसका फूड लेवल डाउन होने का थोड़ा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो आर्क के पुराने प्लेयर है, कि हम लोगों का जो ये डायनोस का जो फूड लेवल होता है ना, अगर ये गिर जाता है तो जल्दी जल्दी टेम होता है खाना देने पर। तो मैं इसको नार्को वार्को पिला के नार्को खिला के मैं चला जाऊंगा इधर से। उसके बाद जब इसका फूड लेवल डाउन होगा तब मैं आऊंगा, और उसी बीच में मैं थोड़ा बहुत फार्मिंग वगैरह भी करूंगा। और मैं इसको मटन वटन नहीं दूंगा, अभी मीट नहीं दूंगा, नॉर्मली जो सर रहा है तो उसको इसके इन्वेंटरी में डाल दूंगा, और ये सरेगा नहीं। तो और हाँ भाई, मैं ये जो बहुत सारा डायनो है ना, जो एक्स्ट्रा डायनो है मेरे पास, तो उन लोगों में दो या एक को रखूँगा और बाकियों को मार दूंगा। और हाँ भाई, मेरा गला बैठ गया है, तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ भाई, ये मैं माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोग बताना कमेंट पे कि मेरा वॉइस ओवर ठीक ठाक था, या आप लोगों को कुछ दिक्कत हुआ आवाज़ सुनने में, बोलना, ठीक है। और हाँ भाई, जो जो बंदे मेरे वीडियो में कॉमेंट करते हैं, उनको मैं हमेशा लाइक करता हूँ, उनके कॉमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, तो आप लोग बेझिझक कॉमेंट करना। सॉरी, मैंने बोला था ना मेरा गला बैठ गया थोड़ा बहुत आज, तो वही बात है। तो चलो, क्या बोलते हो उसको, मैं कहाँ पे था, हाँ कॉमेंट पे। तो भाई, जो जो बंदे मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो उनको भाई दिल से शुक्रिया। और हाँ भाई, मैं उनके कमेंट पे हमेशा रिप्लाई करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। और कोई बंदा अगर मेरे चैनल पर नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वही बात है, जो सारे बंदे बोलते हैं मैं भी वही बोलता हूँ, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो और हाँ भाई, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हाँ भाई, आप लोग 2-3-4 मिनट देखते हो, तो मैं उतना छोटा वीडियो तो बना नहीं सकता, तो आप लोगों का 10-11 मिनट से ज़्यादा मैं लूँगा नहीं, तो उसके लिए दिल से खेद है मेरा कि मैं इतना लंबा वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा लगे, तो आप लोग पूरा देखने की कोशिश करना, वही बोलना चाहूँगा। और भाई, पेट्रो का जो सेडल होता है, मैंने पेट्रो का सेडल बना के रख दिया, तो मैंने दिखाया नहीं, वो थैच और ऊड और चिंटिन से बनता है, ठीक है। चिंटिन आप लोगों को कहाँ से मिलता है, मैं आगे आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। हाँ, 3-4 चीज़ लगता है, हाइड लगता है शायद से, चिंटिन लगता है, और फाइबर लगता है। फाइबर का मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आप लोगों को देख के नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो और हाँ भाई,
मतलब 2-3 दिन में एक अच्छा इवेंट आ रहा है, मतलब गेम में नहीं असल जिंदगी में। आप लोग कमेंट में बताना क्या है, आप लोगों को सबको पता ही, देखो मैंने कितना कुछ लगा के रखा था। और ये भाई जो क्या बोलते उसको, किसको क्या बोलते, नार्कोटिक्स है ये, जो नार्कोटिक्स होता है ना, ये नार्कोटिक्स मैंने बना के रखा था। रॉ मीट्स को, रॉ मीट को सराहने पर मिलते हैं, मतलब वो जो स्पॉयल मीट होता है ना, स्पॉयल मीट से, और नार्कोटिक्स का जो बेरी है काला काले रंग का, उसको कंबाइन करने पर ये नार्कोटिक्स बनता है। और हाँ भाई, तुम्हारे भाई ने फार्मिंग सेटअप जस्ट करने को करके रखा है, तो उसके बाद फार्मिंग सेटअप का एक वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे को फार्मिंग का ज़रूरत होगा इन फ्यूचर। 2-3 वीडियो के बाद आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि फार्मिंग के ऊपर, नहीं तो मैं जब ये सीरीज़ मतलब ख़त्म होने को आएगा, ये नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज़, उसके बाद हम लोग हार्ड कोर भी ट्राई करेंगे, अलग अलग मोड्स ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे वीडियो को आप लोगों को रेडवुड का भी जर्नी दिखेगा, तो आराम से बनी रहिए वीडियो के साथ। तो मैं इसको खाना पानी देके ना मैं फार्मिंग के लिए निकल जाऊंगा थोड़ी देर बाद, देखना आप लोग। क्योंकि देखो मेरे पास मेटल की बहुत कमी थी, क्योंकि मेटल का सामान भी खोलना है ना। और हाँ भाई, मैंने को ना आरजे को टीम करा था, मैंने आरजे का आप लोगों को दिखाया नहीं। और पिछले वीडियो में मैंने बोला था ना कि ब्रॉन्टो मेरे घर के सामने है, मेरा बहुत लैग हो रहा है, इसको मैं पकड़ूंगा, धरूंगा, टीम करूंगा, सुमड़ी मिलूंगा वगैरह वगैरह। तो तुम्हारे भाई ने भाई उसको सच्ची में पकड़ लिया, ठीक है। पर उसके लिए मेरा बेस के सामने बहुत लैग हो रहा है, बहुत गंदा लैग मार रहा है भाई, ठीक है। तो उसको मैं मारूं के ना मारूं आप लोग कमेंट पे बताना, उसको अगर मारना हो तो आप लोग कमेंट पे बता देना, नहीं तो मैं उसको कहीं दूर पे जाके साइट करके आऊँगा, छोड़ के आऊँगा। बाद में जब उसका पार्टनर मिलेगा तब दोनों को इकट्ठे एक साथ लेके आके बेस में रख देंगे। और हाँ भाई, ये साइट का जो एरिया है इसको कवर अप मैं करने की पूरा पूरा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए ना मेरे को दिक्कत हो रहा है। मतलब मेरा जो जानवर है ना, मेरे जो डायनोज है, तो उनको बाकी के डायनो इधर में आ रहे हैं, तो एक को अगर मार रहा है तो बाकी सारे के सारे जो पैसिव थे वो सारे के सारे एक्टिव हो जा रहे और उसको मार रहे हैं, तो मेरा बेस का मेंटेनेंस बिगड़ रहा है। तो मैं जैसे सजावटी तरीके से रखना चाहता था, ये लोग रह नहीं पा रहे, तो मेरे को ये साइट का जगह कवर करना होगा वॉल वगैरह सब कुछ से। उसका पार्क डेकोरेशन का एक वीडियो आएगा इन फ्यूचर, आएगा बाद में, मैं अगर सक्सेसफुल हो जाता हूँ पार्क को ठीक ठाक कवर अप करने में तो आप लोगों को बताऊँगा, वो भी दूसरे कोई सर्वर में, नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूँगा कैसे कि आप लोगों को ऐड करना है उसके लाइन पे लाइन, एकदम एक जैसा आप लोग एक लाइन पे कर देना। जो भाई इसका खाना ख़त्म हो गया, मुझे पता ही था खाना ख़त्म होगा, तो मैंने पेट्रो के पास पहले से खाना रख दिया था, तो मैं अभी फटाफट ले लेता हूँ, ले लिया भी ये ज़्यादा नहीं भाई। एक मैंने, मेरे को ना ये एक चीज़ पता लगा कि आप लोग अगर पेट्रो में आप खाना डालते हो ना, खाना खाने से पहले ये जो देखना एक गुलाबी कलर का बेरी होता है, वो अभी डालूंगा नहीं, मेरे से गलती हुआ इसलिए इसका लेवल डाउन हो गया। तो ये जो मेजोबेरी होता है ना, शायद से मेजोबेरी होता है, मैं देख कर बताऊँगा। तो उसको ना पिंक कलर का जो बेरी होता है उसको आप खिला देना, उसको पहले खिलाना, उसके बाद मटन खिलाना, रॉ मीट खिलाना, बार बार मटन क्यों बोलता हूँ भाई मैं, तो रॉ मीट खिलाना, तो उसके वो जो टेमिंग इफेक्ट होता है ना जल्दी जल्दी होता है। और हाँ भाई, बैकग्राउंड में आप लोगों को आज कुछ गाना वाना सुनाई देगा, क्योंकि हम लोग इधर में तो दुर्गा मैया का पूजा है, तो इन फ्यूचर 2-3 दिन में पूजा शुरू होने वाला है, तो उसका ही सब कुछ सेटअप वगैरह चल रहा है, तो माइंड मत करना कुछ। तो आज मैं पेट्रो को लेकर घूम रहा था इधर उधर, मतलब वो बोलते हैं ना कि भाई खाना पानी जो भी मिले वो फर्टिलाइज करने के लिए छोड़ दो। ये देखो मैंने आरजे को टेम करा था और इसका नाम मैंने जिमी रख दिया। और जो जो बंदे कमेंट करते हैं ना भाई, उनके कमेंट पे मेरे व्यूवर्स ना रिस्पॉन्स करते हैं, ना लाइक करते, ना खुद कमेंट करते भाई। इस आर के सीरीज़ को आप लोग देख दो, 4-5 मिनट तक दो भाई वीडियो को, पूरा देख लो और एक लाइक कर दो भाई वीडियो को, अच्छा लगे तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना भाई, और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और जो जो बंदे मेरे वीडियो में आके मेरे डायनोस का नाम प्रेफर करते हैं भाई, उनको मैं स्पेशली शॉर्ट आउट देता हूँ, तो गेमिंग लोल भाई तुमको स्पेशली शॉर्ट आउट। और हाँ भाई, तुम राजवीर भाई, तुमने जो बोला था ना कि भैया तुम्हारा गेम साउंड थोड़ा घटा के करो, तो भाई थैंक यू भाई मेरे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, और सबके लिए ही मैं बोल रहा था, पर राजवीर भाई के लिए मैंने स्पेशल बोल रहा हूँ, क्योंकि उस भाई को दिक्कत आ रहा था, तो सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ़ करना, मेरा जो वॉइस ओवर का गलती था। तो भाई आज के बाद ये वॉइस ओवर का मतलब प्रॉब्लम आएगा नहीं, मेरे पास माइक आ चुका है, तो
आराम से रहना। और हाँ भाई, ये गेम प्ले रिकॉर्डिंग के बाद मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं स्प्लिंटर जब ले लूँगा तो गेम प्ले के साथ ही आप लोगों को मेरा वॉइस ओवर मिल जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं होगा। आप लोग मज़े में रहो। और कोई बंदे को अगर कुछ भी पूछना हो गेम के रिलेटेड, गेम के ऊपर, तो नीचे एक मेरा डिस्कॉर्ड का ज्वाइनिंग लिंक होगा, आप उसमें ज्वाइन कर देना डिस्कॉर्ड में और मेरे से बात करना। और हाँ भाई, मैं लास्ट डे और पीसी बोल रहा हूँ कुछ भी, लास्ट डे LDRS और आर्क और BGMI, ये तीन गेम पे अभी पूरा पूरा फोकस कर रहा हूँ। और लास्ट डे का कम से कम 3-4 दिन तक, या तो फिर BGMI का RP ख़त्म होने तक लास्ट डे का कोई वीडियो आएगा नहीं, तो उसके लिए खेद है। क्योंकि देखो, BGMI में मेरे को RP मैक्स करना होगा और उसका भी आप लोगों को स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा कि क्या कुछ मिलता है उसमें मैक्स करने पर। बाय बाय गाइस, आप लोगों को एक और वीडियो में मुलाकात होगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।